सीरियल किलर की तो बहुत सारी कहानियां और फिल्में आपने जरूर देखी होगी, लेकिन आज हम जानने वाले हैं दुनिया के सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर के बारे में। आखिर जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं उस उम्र में ये लोगों को मौत के घाट उतारता था। इसकी कहानी आपकी रोंगटे खड़ी कर देगी, ऐसी है। आखिर ये सब ये क्यों करता था और ये कैसे पकड़ा गया, ये सब हम इसी वीडियो में जानेंगे। तो लेट्स डाइव इन। बिहार के बेगूसराय जिले में अमरजीत नाम का लड़का ये दुनिया का सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर है और इसके नाम के आगे बहुत ही कम उम्र में ही सीरियल किलर लग चुका था। जब ये 7 साल का था तब इसने अपना सबसे पहला मर्डर किया था। इसकी 6 वर्षीय छोटी चचेरी बहन की हत्या अमरजीत ने की थी, लेकिन परिवार वालों को लगा कि अमरजीत और उसकी चचेरी बहन के बीच आपसी झगड़े की वजह से अमरजीत ने शायद ऐसी गलती कर दी हो, लेकिन ये गलती नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। अब ठीक 6 महीने बाद अमरजीत ने एक और नई वारदात को अंजाम दिया। उसने अपने ही परिवार में अपनी ही छोटी बहन की हत्या कर दी। इस बार अमरजीत के परिवार वालों ने पुलिस को तो इसे इन्फॉर्म नहीं किया, लेकिन उसे बहुत बुरी तरीके से मारा। अब कोई भी बालक अगर गांव से गायब हो जाए तो गांव वालों को इसकी भनक पड़ी जाती है, बहुत ही नॉर्मल सी बात है। इसलिए गांव वालों ने उनके परिवार से कहा कि ये 2 बच्चियां कहां पर है, तो उन्होंने कहा ये लापता है। जब उन्हें कहा कि आप पुलिस में क्यों नहीं इन्फॉर्म करते, तो उन्होंने कहा कि ये पारिवारिक मामला है, इसलिए हम नहीं चाहते कि पुलिस बीच में आए। लेकिन अब तक जो भी हत्याएं हो रही थी वो अमरजीत के परिवार के अंदर ही हो रही थी, जिसकी जानकारी ना गांव वालों की थी ना पुलिस वालों को। लेकिन अब हत्याएं अमरजीत के परिवार के बाहर होने लगी। अमरजीत ने अभी तक 2 मर्डर कर दिए थे और उसने अपना 3रा मर्डर अपने पड़ोस में रहने वाली छोटी बच्ची का किया। अमरजीत के पड़ोस की महिला जब घर के बाहर गई तो उसकी बच्ची अकेली थी, तभी इस परिस्थिति का फायदा उठा के अमरजीत ने उस बच्ची को किडनैप किया, उसकी हत्या की और उसे सुनसान जगह में भी दफना दिया। जब वो महिला घर के अंदर आई तब उसने पाया कि उसकी बच्ची लापता है और ये खबर उसने पूरे गांव में फैला दी। जब उस गांव वालों ने और महिला ने निर्णय लिया कि पुलिस को हमें रिपोर्ट लिखवानी चाहिए, तो उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट लिखवाई और जब पुलिस ने छानबीन की जांच की तब पता चला कि इससे पहले भी गांव में 2 बच्चियां इसी रहस्यमय तरीके से लापता हो चुकी थी। जानकारी बागर जब मौके पर पुलिस की टीम अमरजीत के परिवार के पास पहुंची जांच पड़ताल करने के लिए, तब अमरजीत के परिवार ने ये बात कबूल कर ली कि जो 2 बच्चियां गुमशुदा थी उसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी के परिवार के सदस्य अमरजीत ने की। अब पुलिस ने जब उनके पड़ोस की गुमशुदा बच्ची के बारे में उनसे पूछा तब उनके परिवार ने ये कहा कि हमें तो इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं, लेकिन अमरजीत को जरूर इसके बारे में कुछ ना कुछ पता होगा। जब उसे पुलिस के सामने पेश किया गया तब वो बिना किसी खौफ के पुलिस के सामने देख रहा था और हंसने लगा। और जब पुलिस ने उसे पूछा कि क्या तुम्हें इस गुमशुदा बच्ची के बारे में कुछ पता है, तब वो जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि मुझे एक बिस्किट दोगे तो मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ बताऊंगा। जब पुलिस उसे एक बिस्किट का पैकेट देती है खाने के लिए तब वो कहता है कि इस बच्ची को किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही मारा है। जब कोर्ट में इस मुकदमे को चलाया जाता है तब फैसला किया जाता है कि इस बाल सुधार गृह में रखा जाएगा और डॉक्टरों की निगरानी में। और जब डॉक्टरों से जांच कराई जाती है तब पता चलता है कि अमरजीत एक बीमारी से ग्रसित था जिसके कारण वो ये ऐसी हत्याएं करता, लेकिन बाल सुधार गृह और डॉक्टर की निगरानी में रहने पर उसकी ये बीमारी स्वस्थ हो गई और ठीक हो गया। इस प्रकार अमरजीत बना दुनिया का सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर। ऐसी और कहानी और स्टोरीज के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब।